आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल चाल है जी? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे थोड़े से डिसअपॉइंटेड से लग रहे हैं आप मुझे। और डिसअपॉइंटमेंट मुझे पता है क्या है, असल में पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा मीडिया के ऊपर भी, रेडियो टीवी हर तरफ इतनी हाइप क्रिएट हुई भी थी ना कि जी 2019 आने वाला है, नया साल, ये नए ख्वाब, नया नया। आप ये सोच रहे हैं नया साल आया, उसी तरह ठंडी ठंडी सी सुबह है, वही जनाब घर का माहौल है, वही लोग हैं, वही दफ्तर है, वही नौकरी है, कुछ भी नहीं बदला। तो जनाब नए साल ने अचानक आके ये नहीं कहना था कि हेलो मैं आ गया हूं, चलो भाई कपड़े बदलो, मतलब वो तो हम रोज बदलते हैं। इट इज जस्ट एन एटीट्यूड। आप छोटी सी किसी चीज को बदलें, आप नए साल की खुशी महसूस कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कौन सी चीज बहुत मोनोटोनस है? नाश्ता, ब्रेकफास्ट। आप रोज अगर एक तरह से करते हैं, एक फ्राइड एग, दो टोस्ट, एक दूध का गिलास, एक फ्राइड एग, दो टोस्ट, एक दूध का गिलास, भाई अगर ये मोनोटनी ब्रेक नहीं करेंगे तो नया साल तो कुछ नहीं आके कर सकता। तो आज हमने ये करना है कि हमने अपने नाश्ते की मोनोटनी को थोड़ा सा ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे, खास तौर पे कोई ऐसी चीज नाश्ते में लेने की कोशिश कीजिए जो आपको शायद इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, कोई ना कोई कहता रहता है अरे भाई ये, अरे भाई वो। मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जिनको दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, आज नाश्ते में दूध पीने की कोशिश करें। यस, और अगर आप नाश्ता कर चुके हैं या सुपहर में हमारा शो देख रहे हैं तो कल सुबह नाश्ते में आप कोई नई चीज ट्राई करने की कोशिश करें, अपनी कन्वेंशनल मोड ऑफ मेन्यू से हटें और देखें नए साल की कितनी आपको चेंज नजर आएगी कि नए साल में और कुछ नहीं तो आपका नाश्ता बदल गया। और ऐसे में हम आपको सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप तहमीना और काशिफ से पूछें, खास तौर पे अगर ट्रेनर काशिफ से पूछें तो वो कहेगा थोड़ी सी गाजरें काट लें, थोड़े से शलगम काट लें, चुकंदर को थोड़ा सा बॉईल कर लें और ये आपका नाश्ता होगा। वैसे व्हाई नॉट थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करने की कोशिश करें। और अगर आपका इसी तरह का नाश्ता है जो मैंने अभी बयान फरमाया तो व्हाई नॉट टू ट्राई अ बिट ऑफ पायाज एंड निहारीज। सो नाश्ता कुछ हमें चेंज करना है ताकि नए साल का चेंज हमें महसूस हो सके। आज के शो में आर्यन मेरे क्लास फेलो हमारे साथ हैं और आज हम जनाब कुछ वीडियो गेम्स की बात करने जा रहे हैं। सर्दियों में जरा ज्यादा बाहर निकलने का दिल नहीं करता तो घर में बैठ के जिनके पास वीडियो गेम्स हैं, बच्चों के पास, वो किस तरह से वीडियो गेम के लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं ये आर्यन मेरे क्लास फेलो हमें बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स आज आपको पता है कि दिन है फैसल मूवी वाला का और फैसल मूवी वाला हमें बताने जा रहे हैं कि 2019 में कौन कौन सी पाकिस्तानी मूवीज आ रही हैं और किस मूवी में हमारे लिए क्या होगा। एंड आफ्टर दैट आज हमारे बड़े अच्छे से एक दोस्त जिनका नाम है हसन मुज्तबा और मुज्तबा हमें बताएंगे कि मेरे जैसे बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, फन एंड प्ले लर्निंग, आर्ट के जरिए तालीम को कुछ लिंक कैसे किया जा सकता है और खैर इनसे गुफ्तगू के दो हवाले होंगे और आर्ट जो है उसको डिस्कवर कैसे किया जा सकता है। अगर मुझे बचपन में अच्छा कोई मुज्तबा मिला होता तो आज मैं भी बहुत जबरदस्त बड़े बड़े म्यूरल्स बना रहा होता। ये सारी कहानी हम मुज्तबा से जानेंगे। सो ये है सब हमारे पास आपके लिए आज के शो में, बट लेट्स स्टार्ट विद सॉकर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या भाई? गुड मॉर्निंग। आज हम फुटबॉल खेलेंगे। आज हम फुटबॉल खेलेंगे। ओके ओके, हम मुझे तो फुटबॉल सिर्फ ये करना आता है, ये भी मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है। फोकस के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। मेरा ख्याल है शो खत्म हो जाएगा और हम आज की वर्जिश थी हमारी, ये हमें इजाजत दीजिए। ये वैसे बहुत अच्छी वर्जिश होती है फोकस के लिए। और आज की जो हमारी वर्जिश है, पहले एक बात कहना चाहूंगा जो आपने अभी बात की थी कि नया साल और चेंजेस और यू नो मोनोटोनस। तहमीना से मैं डिस्कशन कर रहा था इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट को डिजाइन करने के लिए, तहमीना ने कहा कि मेरा वे ऑफ स्टाइल तुम आज देखोगे ट्रेनिंग का। हाँ, न्यू गोल, नए साल में नई तहमीना, नई ट्रेनिंग। तो तहमीना बताइए। नहीं, अब जैसे हम कोशिश तो करते हैं, मैं और काशिफ दोनों के जब वर्कआउट प्लान भी कर रहे होते हैं तो वैसे तो ठीक है, बॉडी पार्ट्स भी वही हैं, एक्सरसाइजेस भी वही हैं, लेकिन चूंकि हर रोज जब आप वर्कआउट करते हैं तो फिर एक तो होता है कि बोरियत हो जाती है, आप बोर ना हो। दूसरी बात, जैसे काशिफ हमेशा बताते भी हैं, ठीक है, कि आपकी बॉडी को शॉक भी मिलना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम थोड़ी सी वैरायटी लाएं। लेकिन सिर्फ करने से पहले ये बताना चाहेंगे कि आप हर किसी का अपना फिटनेस लेवल है, हर किसी की एक्सरसाइज की लाइकिंग भी डिफरेंट है,
दिस इज़ क्रॉसफिट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, जरूरी भी नहीं है कि आपको इसको इसी तरह से करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो विल गिव यू रेस्ट भी दे सकते हैं जी। अच्छा, ये बॉल लाने का मकसद, जैसे पहले भी बताती थी कि हमारे पास चूंकि मेडिसिन बॉल नहीं है, जो कि वेटेड बॉल होती है, तो वो वेट नहीं है, तो मैं ये छोटी सी बॉल यूज कर रही हूं। लेकिन आपने अच्छा किया कि इस तरह की बॉल से, क्योंकि घरों में तो जाहिर है मेडिसिन बॉल या ट्रेनर जिम की जो बॉल है वो नहीं होती, तो आप एक नॉर्मल फुटबॉल के साथ भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। और ये पार्टनर वर्कआउट है, किसी मोहल्लेदार, किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ आप कर सकते हैं, अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो। ठीक है, फन एलिमेंट होना चाहिए वर्कआउट। तो हम दोनों एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, सिर्फ हमने करना क्या है कि हम चेंज करते जाएंगे, लाइक एक पार्टनर एक एक्सरसाइज करेगा, दूसरा दूसरी करेगा। ठीक है, शुरू करते। तो किया स्टार्ट, सॉरी काशिफ, तो मैंने बर्पी की, उसके बाद काफी बदला नहीं लेना। ओके ठीक, ओके अच्छा, उसके बाद अगेन आपने पास की, आई विल डू अ बर्पी। अच्छा, यानी जिसके पास बॉल आया है दूसरा बर्पी करेगा। जी बिल्कुल, तो ये आप चेंज करते जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज तो वैसे ही करें, लेकिन चूंकि लाइट बहुत है उसकी वजह से भी जस्ट स्विंगिंग दोनों में टेंशन रहेगी। अच्छा, अब ये आप एज अ सर्किट भी कर सकते हैं, आप एज रेपिटेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप 30 सेकंड, 45 सेकंड, एक मिनट नहीं करना चाहते, तो 10 से 15 रेपिटेशन कर लें काफी। और मैं कहना ये चाहूंगा कि जब हम एक दो तीन मोमेंट्स करके हम रुक जाते हैं, इससे लगता है कि वर्कआउट मजेदार नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेस में करते हैं पूरा वर्कआउट, तो आपको समझ आती है और पता चलता है हार्ट रेट। अब चले आप हमें तकरीबन एक मिनट के लिए जरा पेस में करके दिखाइए। अच्छा ठीक है, 1, 2 and 3, ये बर्पी की, ये बर्पी की, ये बर्पी की, ये बर्पी की, और जिससे बॉल गिरा उसकी शामत आ गई, वो नाश्ता करवाएगा। All right, yes, तो इस तरह से आप एक फन को लेके आ जाएं अपनी एक्सरसाइज के अंदर, अपनी अपनी वर्जिश के अंदर, तो आप बोर नहीं हो, बोर नहीं होते। अच्छा, ये तो हो गई बॉल, इसको बल्कि हम यहाँ साइड पे रख देते हैं ताकि चली ना जाए कहीं। उसके बाद है बॉक्स। अच्छा, जिम के अंदर से कबूतर निकलेगा, अभी मैं आपको जादू करके दिखाऊंगा, ऐसे गुलदस्ते, कबूतर, बर्पीज। जिम के अंदर जो है वैसे बॉक्सेस होते हैं बकायदा बने हुए, कुछ लकड़ी के भी होते हैं, रबर के भी होते हैं, मुख्तलिफ, यानी प्लायो बॉक्सेस भी जिनको बोलते हैं, हमारे पास लकड़ी का है। अच्छा, इसका लाने का मकसद ये था कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में और इवन बिगिनर वर्कआउट्स में भी बॉक्स यूज होता है। लेकिन आपके घर में अगर नहीं, क्योंकि आप जिम में तो नहीं है, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं अगर, तो बेड के साइड टेबल यूज कर सकते हैं। मैं आई यूज टू यूज दैट, क्योंकि वो थोड़े हैवी होते हैं। इस पे करना क्या है? आप इसके ऊपर जंप करनी है काशिफ, और मैं पार्टनर बता रहे हैं कि बर्पी, बर्पी एंड आई विल डू बॉक्स जंप। ओ खैर नल पाई, ओ वेरी नाइस, यानी एक बॉक्स पे जंप करेगा और दूसरा बर्पी करेगा। जी बिल्कुल, तो आपने इसी फ्लो के साथ, यू आर जस्ट गोइंग बैक टू बैक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों एक ही वक्त में जंप ना करें, एक ही वक्त में ना करें अगर पार्टनर के साथ करें, और दूसरी बात है कि बैलेंस भी रखना है कि कहीं गिर ना जाए। और इन वर्कआउट्स का मतलब ये मकसद ये होता है तहमीना, कि जब हम मशीनी हो जाते हैं जिम्स में जाके, रेड जिम रेड जिसको कहते हैं, मशीन्स के साथ वर्कआउट करते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगली एक्सरसाइज है अल्टरनेट लंजेस, आपने बोल किया ये। अब ये आप टाइम, यानी अगर रेपिटेशन कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, थोड़ी एडवांस वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल यू डिड 20-20 ऑन ईच साइड, उसके बाद काशिफ आइएगा, एंड देन आपका जो भी पार्टनर है वो दूसरी पोजीशन ले लेगा। ऑलराइट, यानी वी विल डू, एक तरह से दो एक्सरसाइजेस हैं और दोनों पार्टनर्स एक वक्त में एक कर रहे हैं और दूसरा दूसरी एक्सरसाइज। आप ये सोच रहे होंगे कि काशिफ ने अगर लंजेस कर लिए तो काशिफ क्या ट्विस्टिंग करेगा? जी हाँ, करेगा, लेकिन दोनों ने करना है, पार्टनर्स ने, दोनों ने, कोई वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगली जो एक्सरसाइज है आप जंपिंग जैक्स करेंगे, एंड आई विल डू डिप्स, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे, शोल्डर पे टेंशन होगी, लेट्स स्टार्ट ऑन। कार्डियो भी है इसमें, स्ट्रेंथ भी है, टोनिंग भी है, आप जितना डिफिकल्ट बनाना चाहें, यू कैन रेज द लेग, व्हाटएवर, जो भी आप इसको जितना मुश्किल बनाना चाहें। और आप पार्टनर को कैसे कैसे देते हैं, तमीना कैसा जा रहा वर्कआउट, ये चीज जबरदस्त है, कम ऑन। अच्छा, वाकई में पार्टनर के साथ वर्कआउट जब आप करते हैं, अगर आप जिम में हैं या घर पे हैं या कहीं भी आउटडोर एक्टिविटी, तो आप एक दूसरे को चेयर अप भी कर सकते हैं, चेयर अप कर सकते हैं और एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसमें मुश्किल आ रही है नहीं, इसको यूं कर लो। तो पार्टनर वर्कआउट के अपने फायदे भी हैं बहुत ज्यादा। तो वो अच्छा, ये जो सारी एक्सरसाइजेज हमने की, अब आप देख लें कि इसमें इतनी इक्विपमेंट नहीं थी, मतलब बॉक्स है या जैसे बॉल है हमारे पास सिंपल,
लेकिन इट्स इंटेंस, इट जस्ट मेक्स यू आउट ऑफ ब्रेथ. आप दोनों को इस वक्त सांस चढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये काफी इंटेंस. हालांकि पूरा वर्कआउट तो हमने किया नहीं, हम सिर्फ दो दो तीन तीन रेपिटेशन. जब सर्किट करेंगे तो क्या हाल होगा रियली, बट इतना मजा आता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप यू नो वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो वो भी थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा कि आप जरूर ट्राई करें. और सिपिंग बहुत जरूरी है, खासतौर पर इंटेंस वर्कआउट के अंदर आप पानी का सिप साथ साथ लें. अगेन मैं और काशिफ अक्सर आपको ये बताते रहते हैं और तहमीना भी उससे एग्री करती हैं कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में आपको बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता. अमूमन हम पानी तब पीते हैं जब हमें पसीना आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है. जब आप जिम में या कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो साथ साथ हल्का हल्का पानी का सिपिंग जारी रखना बहुत ज़रूरी है. जी अच्छा, एक सवाल बस मैं करना चाह रही थी कि हमारे काफ़ी सारे नाज़रीन जो हैं वो हमसे ये सवाल कर रहे थे वर्कआउट के बाद खाने के लिए, स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, तो वो पोस्ट वर्कआउट का भी पूछ रहे थे. तो आप कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने में, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें या वेट ट्रेनिंग करें, प्रोटीन वाला, प्रोटीन वाला जैसे काशिफ आप क्या कहेंगे, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होनी चाहिए, क्योंकि कार्डियो बेस्ड वर्कआउट होता है, मकसद आपका फोकस ये होता है कि आपने फैट लॉस या वजन कम करना है. तो रोटी चावल की मिकदार कम होगी, हाई प्रोटीन, साथ वेजिटेबल, ताकि मसल रिकवरी. गरम नान और साथ ब्रेड मसाला, नहीं नो नान. पानी तो खैर आप पीते ही रहेंगे, जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे, जैसे प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो कोशिश करें अगर आप वे प्रोटीन या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते हैं, तो कोशिश करें कि लीन प्रोटीन, जिसको आप फिश मछली और मुर्गी. लीन प्रोटीन की बात हो रही है तो बताता चलूं कि चेस्ट के जो हिस्सा होता है मुर्गी का, उसके अंदर लीन प्रोटीन होता है. बाकी हर हिस्से में, विंग्स में, लेग्स में फैट इनटेक मिकदार ज़्यादा होती है. लीन पार्ट जो है चिकन में वो चेस्ट है, और फिश तकरीबन पूरी लीन है, और अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपको. ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. हम चलते रहेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आर्यन मेरे क्लास फेलो हमारे साथ मौजूद है, और आज हम बात करेंगे कुछ के वीडियो गेम्स अगर हमने खेलनी है ठीक है भाई, बहुत से बच्चों की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वीडियो गेम्स के साथ जिंदगी गुजारते हुए भी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. मेरे बचपन की यादों का एक बहुत अहम हिस्सा ये फुटबॉल था, इसी तरह से क्रिकेट का बैट था, क्रिकेट का बॉल था, बास्केटबॉल था, और सबसे ज्यादा वक्त जो मेरा बचपन में गुजरा है वो बैडमिंटन के रैकेट के साथ गुजरा है. लेकिन आज भी बहुत से बच्चे इन्हीं चीज़ों के साथ अपना बचपन गुजारते हैं, जैसे कि अभी मैंने फुटबॉल से बास्केटबॉल का काम करके आपको दिखाया. लेकिन ज़्यादातर बच्चों को अब ट्रेंड ये देखा गया है कि इनडोर गेम्स, और वो भी स्क्रीन बेस्ड गेम्स का बहुत शौक है. स्क्रीन बेस्ड गेम्स कौन सी होती हैं, जिनको आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे या स्मार्टफोन की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन के साथ बैठ के PS4 के जरिए, या जिनको वीडियो गेम्स आसान लफ्जों में कहते हैं, वो वीडियो गेम्स के साथ बैठते हैं, खेलते हैं और खेलते ही चले जाते हैं. आज इस हवाले से बात करने के लिए आर्यन मेरे साथ मौजूद है. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आर्यन बताओ जरा वीडियो गेम्स के बारे में, जरा थोड़ा सा अनफोल्ड करो ना, क्या सीन है? वीडियो गेम्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर कुछ एजुकेशन और कुछ बस वायलेंट, तमाशा, बस वायलेंट गेम्स भी हैं. वायलेंट गेम्स भी, हाँ, इसके ऊपर मेरा बड़ा मुझे दुख होता है ना, वायलेंट गेम्स नहीं होनी चाहिए. अच्छा तो ये जो गेम्स है, आप बताओ आप खेलते हैं? थोड़ी गेम्स खेलता हूं. मुझे लगता है ज्यादा खेलते हो, अभी टीवी पे बैठे हुए इसलिए कह रहे हो थोड़ी खेलता हूं, है ना? नहीं. तो थोड़ी मुझे लगता है तुम नहीं खेलते. सिर्फ जब स्कूल डेज पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी गेम्स बंद होती हैं, सिर्फ सैटरडे संडे पर खेलता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पेरेंट्स भी नोट कर लें कि वीडियो गेम खेलने के भी डेज होने चाहिए. अगर आपके बच्चों को वीडियो गेम्स का शौक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमें उस पर एतराज नहीं, लेकिन ये नहीं कि रोज खेल रहे हैं. तो आर्यन का जी, मंडे टू फ्राइडे नो गेम्स, नो गेम्स. तो
और वीकेंड पे सैटरडे संडे की इजाजत होती है, और कितनी देर अंदाजन? 3-4 सारा दिन जी, सिर्फ 2 दिन है। सीरियसली? यस। सारा दिन? यस। तो इस ये बेचारा जो घर में बोर हो रहा है बैठा भाई, उसका क्या बनेगा? ये इसके साथ भी खेलता हूँ। आउटडोर गेम्स करते हो आप? जी, विंटेज। वो कितना टाइम? 1-2 hours रोजाना? हाँ, तो आर्यन ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि वीकेंड के ऊपर हो जाती हैं जी वीडियो गेम्स, और जो वीकडेज हैं उसके ऊपर 1-2 घंटे। 2 घंटे तो खैर बहुत अच्छा टाइम है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आर्यन को पसंद? फुटबॉल, बास्केटबॉल। इसके लिए टाइम निकल आता है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई के बगैर जिंदगी कैसे मुकम्मल है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत से बच्चे आजकल वो छुपन छुपाई नहीं खेलते। तो बच्चों, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि छुपन छुपाई में आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी है जी। और छुपन छुपाई में एक तजस्सुस भी है, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है जी। किसने किसको पकड़ लिया जी। और थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी है जी। एक स्ट्रेटजी बता दूं? छुपन छुपाई का मैं एक्सपर्ट होता था। छुपन छुपाई की बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप एक जगह पे छुपे हैं, मैं क्रू को दे रहा हूँ, सारे मेरी बात ऐसे सुन रहे हैं, आज ही जाके छुपन छुपाई खेलनी। हाँ भाई, खेलनी है, सबने खेलनी है। आप पहली बारी में जहां छुपे हैं दोबारा उस जगह पे ना छुपे, ये बेसिक स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर सीकर ने ढूंढ लिया तो उसको पता होगा, उसको लगेगा कि शायद फिर से वहां छुपे। Exactly. जो ढूंढ रहा है अब तो सीकर, अगर ढूंढ रहे हैं तो उनको पता है आर्यन यहाँ पहले छुपा था, वो उस कैमरा के पीछे प्लेटफॉर्म के नीचे छुपा था, तो मैं उधर ही जाके दोबारा चेक करूंगा। सो ये एक ट्रिक है। अच्छा जी, कमिंग बैक, जो वीडियो गेम्स है उस पे आप क्या रिकमेंड करोगे? किस तरह की गेम्स बच्चों को नहीं खिलवानी चाहिए? वायलेंट गेम्स। जिसमें वायलेंट गेम्स से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, वायलेंट गेम्स कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं, मसलन उसमें क्या होता है? गन्स शूटिंग ब्लड वायलेंस, मार कुटाई, कत्लो गारत, ये जिन गेम्स के अंदर इस तरह के सीन्स हैं या इस तरह की गेम्स हैं, वो उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए, बल्कि बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए जी। है ना? और आपकी फेवरेट गेम कौन सी? माइनक्राफ्ट। वेरी नाइस। मैं इतना कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है, बहुत अच्छी गेम है ना। अच्छा, और वो जो होता है FIFA 15, FIFA 18, वो भी खेलते हो आप जी? वो मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए कि उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी ब्रॉट इनटू टेक्नोलॉजी। यस, फिजिकल एक्टिविटी ब्रॉट इनटू टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको ये मत समझे कि हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, वो होती कोई नहीं है, वो आपकी मेंटल एक्टिविटी है और आपके सिर्फ हाथों की एक्टिविटी होती जी। है ना? ग्रेट, थैंक यू आर्यन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड योर इनपुट। तो बच्चो, सर्दियां हैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता आपका सर्दियों में, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी रखनी बहुत जरूरी है। कुछ गेम्स खेलें, छुपन छुपाई खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है। और अगर वीडियो गेम्स पसंद है तो प्लीज़ हफ्ते के सिर्फ 2 दिन रखें या 1 दिन रखें, उसमें आवर्स लिमिटेड हो। यह आपकी आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन सेल्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है कि अगर आप सिर्फ टीवी के आगे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वीडियो गेम्स भी खेलें, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी का एक अच्छा बैलेंस आपके साथ होना चाहिए। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फैसल मूवी वाला अनफोल्ड करने जा रहे हैं कि 2019 में कौन कौन सी पाकिस्तानी मूवीज आ रही हैं। तैयारी पकड़ लें। जी जनाब, वेलकम बैक। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फैसल मूवी वाला का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं तुसीक भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूं, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मी टू। 2019 में इतनी ज्यादा मूवीज आ रही है पाकिस्तान में।
एग्जैक्टली, तो सिक्वे 2019 में तकरीबन 20 से 25 मूवीज रिलीज हो रही हैं। 20 से 25 मूवी का मतलब है कि अगर इनको बराबर में तकसीम किया जाए तो तकरीबन हर महीने दो मूवीज आ रही हैं। हाँ जी, तकरीबन दो मूवीज। और हम जब सिनेमा के रिवाइवल की बात करते हैं तो हम वो देख रहे हैं, हम फोरसी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ मूवीज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि अब महीने में दो फिल्में आपको देखने में मिलेंगी। तो आज के सेशन में आप उन तमाम मूवीज को थोड़ा थोड़ा अनफोल्ड करने जा रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे हमारी आने वाली टोटल जो है, जो ऑफिशियली अनाउंस हुई है तो सिक भाई मूवीज जो वो हैं 15-16 मूवीज हैं, और जो अनाउंस नहीं हुई वो होंगी अनाउंस, मेरी डायरेक्टर से बात हुई है, वो अनाउंस करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले मंथ्स में। और ये जो 15-16 मूवीज हैं मेरे पास, हमारे देखने वालों के लिए इन मूवीज के पोस्टर्स मौजूद हैं, हम साथ पोस्टर्स दिखाएंगे। तो आज हम आपको तकरीबन 15-16 पोस्टर्स दिखा रहे हैं जो कि अनाउंस्ड मूवीज हैं, लेकिन इसके अलावा भी 7-8 से 10 मूवीज और भी होंगी जो आने वाले एपिसोड्स में हम आपको साथ साथ जरूर बताएंगे। चलें जनाब, पहले सबसे पहले किसकी बात हो रही है? तो सिक भाई, एक पहले बात करने से पहले मैं इतना एक्साइटेड हूं 2019 के लिए कि नए नए एक्टर्स, नए नए डायरेक्टर्स और नई नई कहानियां और नए नए जॉनर्स पे काम हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया था कि दुर्ज एक मूवी था जो कि बहुत डिफरेंट जॉनर पे काम हो रहा है, इसी तरह गुम एक डिफरेंट जॉनर पे काम हो रहा है। तो हम गुम से शुरू करते हैं जो कि 11 जनवरी को रिलीज होगी। गुम 11 जनवरी को रिलीज होगी। शमून अब्बासी हैं इसमें, और शमून अब्बासी इसके डायरेक्टर भी हैं, और ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। गुम के डायरेक्टर शमून अब्बासी नहीं है, गुम के डायरेक्टर हैं अमार लसानी और कंजा। यस, ये असल में शमून अब्बासी दोनों मूवीज में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मिक्स अप हो जाता है। वो दुर्ज में भी है और दुर्ज के डायरेक्टर जो है वो शमून है, शमून अब्बासी। ग्रेट, बिल्कुल। तो कंजा और अमार लसानी, ये दोनों यंग और वाइब्रेंट, दोनों स्क्रीन प्ले भी इनका है गुम में और डायरेक्टर भी खुद हैं। और इन दोनों की खास बात यह है तो सीख, इन दोनों ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से इन्होंने डिग्री की है, मास्टर्स की डिग्री की है फिल्म मेकिंग में, जो कि बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि लोग डिग्री करके स्किल्ड होकर मूवीज बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपको डिग्री हो जाएगी तो इसका मतलब है कि मूवी अच्छी होगी। नहीं, जरूरी नहीं। का हिट होना एक और ही दुनिया होती है। Both of them, good luck and all the directors जो के डिग्री के बाद फिल्म बना रहे हैं कि उनकी मूवीज जो है वो हिट हो। अच्छा जी, अगला हमारे पास जो पोस्टर है मूवी का वो है दुर्ज का। ये है शमून अब्बासी, और ये बड़ा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और शमून अब्बासी इसमें खुद भी हैं, और ये बड़े डिफरेंट मौजू पे काम हुआ है, और बड़ा जो मौजू है उस पर पहले इस तरह के मौजू पे पहले काम नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि बहुत वक्त लगा इस फिल्म के, बहुत 2 साल लगे इस फिल्म को बनाने में, और स्क्रिप्ट को भी 2 साल लगे तकरीबन। और इसके शूट के बारे में शमून कहते हैं कि इसका शूट इतना मुश्किल था तौसीक भाई कि इनको 500-600 किलोमीटर कराची से बाहर जाना पड़ता था डेली, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ना पानी है, वॉशरूम की सहूलत नहीं है, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, और वहाँ पे वो कितने कितने दिन गुजार रहे हैं वहाँ पे। और ये 600 किलोमीटर, तो आधा दिन जाने में आधा दिन आने में, तो शूट कब करते थे? यही तो चैलेंज था। फैसल 500-600 ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कम कर देगा, 500 किलोमीटर। अच्छा, 4 तक आ जा तो फिर कोई मानने वाली चले ठीक है, 400 किलोमीटर के चैलेंजिंग कितना था लेवल से, आप अपनी जिंदगी के कंफर्ट लेवल से निकल के आप एक्ट्रेस को लेकर। और एक और खास बात इस फिल्म की जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शहरी जो इसमें एक्ट्रेस है उन्होंने अपना सर मुंडवाया इस फिल्म के लिए, डेडिकेशन चेक करें। शमून अब्बासी ने दाढ़ी रखी अपनी 2-3 साल तक, और अपने नाखून नहीं काटे 3 साल तक, अपने कैरेक्टर में इतना वो चले गए। Great. So, हम अब गुम को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, दुर्ज को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। थर्ड मूवी कौन सी? थर्ड मूवी पाकिस्तान की मोस्ट अवेटेड फिल्म, जिसका नाम है मौला जट 2। ओह, फाइनली मौला जट 2 आ रही है। इसके डायरेक्टर बिलाल अशारी हैं। बिलाल अशारी पहले भी बहुत 2-3 मूवीज बना चुके हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं और डिफरेंट काम करते हैं। इसमें हम देखेंगे फवाद खान हैं, और हमजा अली अब्बासी हैं, और मायरा खान है। कास्ट बड़ी मजेदार है, और सुपर डुपर कास्ट है। ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी है जो कि अभी रिलीज हो रही है। मेरा ख्याल कई सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली 2019 में आ रही है। नेक्स्ट अगली है जी शेरदिल। शेर दिल मिकाल जुल्फिकार इसमें लीड पे हैं, और ये ट्रिब्यूट है अगेन हमारी एयरफोर्स को। Right, पिछले साल भी हमने देखा कि एक फिल्म थी परवाज़ जुनून। हाँ, हर साल ना फोर्सेस रिलेटेड एक फिल्म आनी बड़ी जरूरी, बड़ी जरूरी है। इससे मोटिवेशन बड़ी जबरदस्त काम हो जाता है। तो अच्छा, ये असफर जाफरी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये भी हम लुक फॉरवर्ड करेंगे, फिल्म बहुत अच्छी होगी। असफर जाफरी ने पहले भी 2-3 बहुत अच्छी फिल्में दी हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में। अच्छा जी, अगली हमारे पास मूवी कौन सी है? परे हट लव। हाँ, ये है शहरयार मुनव्वर इसमें लीड हैं,
और ये आसिम रजा की फिल्म है। ये एक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं कि पाकिस्तान में बनती रहती है। इस तरह की फिल्में बनना भी बहुत जरूरी होता है। परे हट लव, परे हट लव नाम कितना मजेदार, मजेदार और पोस्टर भी वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। अच्छा जी, आगे है जी कराची से लाहौर 3। यस, कराची से लाहौर 3, ये वजाहत रऊफ इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एक दफा फिर, और ये शहजाद शेख है इसमें, और जो कि जावेद शेख आपके साहबजादे हैं वो लीड पे हैं, उसके साथ यासिर हुसैन है इसमें, और उसके अलावा आयशा उमर हैं इसमें। और ये फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है, पहली दो बहुत अच्छी थी क्योंकि ये रोड एडवेंचर और कॉमेडी फिल्म है, और ये बड़ी मजेदार किस्म का स्क्रिप्ट होता है ये इसका। एग्जैक्टली, अब आगे बढ़ते हैं जी, और कौन सी फिल्म आ रही है 2019 में? लव यू जट्टा। ओके, लव यू जट्टा ये वो फ्रेंचाइज है जिसने सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस करने वाली मूवीज दी। हुमायूं सईद इसमें लीड में हैं और इसके डायरेक्टर हैं नदीम बेग। लव यू जट्टा 2019, इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड करें। और एक और ये बड़ी डिफरेंट सी मूवी है जिसका नाम है सेंट योर मेंटल। यासरा रिजवी एक थिएटर की और पाकिस्तानी ड्रामा के लिए बहुत सारा काम किया उन्होंने, और अब वो फिल्म उन्होंने लिखी भी और डायरेक्ट भी कर रही हैं, और ड्रामा की कास्ट के साथ कर रही हैं, और स्क्रिप्ट मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इनका बड़ा डिफरेंट होगा कहानी। बहुत मेहनती अदाकारा भी हैं और बहुत मेहनती हिदायतकारा भी हैं, so I'm also expecting really good work from Yasra. Good luck. Exactly. अच्छा जी, आगे चलते हैं, और कौन सी फिल्म है? लाल कबूतर। लाल कबूतर का टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन मैं इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इसका ट्रेलर दिखाऊंगा। ये भी बड़ा डिफरेंट सा काम लग रहा है, और इसमें जो लीड पे है वो है शहजाद अली अकबर, जो कि आजकल बहुत सारे एड्स में देखे जाते हैं, नए ड्रामास में देखे जाते हैं, बड़े यंग और बड़े क्रिस्मेटिक किस्म के एक्टर हैं। आई रियली लाइक हिम और आई विश हिम गुड लक फॉर द लाल कबूतर। अच्छा जी, आगे चलते हैं जल्दी से। प्रोजेक्ट गाजी, शहरयार मुनव्वर, हुमायूं सईद और सायरा शहरोज इसमें लीड पे हैं। ये फिल्म जो थी ये 2018 में रिलीज़ होनी थी, जो कि टेक्निकल रीज़न की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई। ओके, लेकिन अब इसकी रिलीज़ जो है वो हम लुक फॉरवर्ड करें 2019 में। राइट जी, और कौन सी मूवी है जी हमारे पास? अच्छा जी, जामी। जामी हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इस फिल्म का नाम है जुगनू। जामी का काम पाकिस्तान के सारे डायरेक्टर्स में सबसे मुनफरिद होता है। Yes. और उनके साथ आपको ग्रो करना पड़ता है उनकी स्टोरी टेलिंग के साथ। और हमने देखा कि ऑपरेशन 021 कुछ ज़्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग थी ना वो बहुत मुनफरिद थी। तो जुगनू में, जुगनू का जो है ट्रेलर चल रहा है आजकल, और वो भी हम दिखाएंगे आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आपको ट्रेलर्स भी हम दिखाएंगे। अच्छा जी, ये है खलीलुर रहमान कमर साहब की फिल्म का पोस्टर तो नहीं है, लेकिन उनकी कास्ट की एक तस्वीर है, क्योंकि पोस्टर अभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ। इसमें आप देखिए समी खान एक दफा फिर हैं, आयशा उमर हैं। इस फिल्म का नाम है काफ कंगन। खलीलुर रहमान कमर टीवी के लिए बहुत खूबसूरत लिख चुके हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामे लिख चुके हैं, कलम लंडा बाजार है, यस के वो ग्रैब कर लेती है एग्जैक्टली को। यस, तो काफ कंगन उनका 2019 में हम देखेंगे उनका उनकी फिल्म देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये एक फिल्म है रेडी स्टेडी नो। ये एक कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है जिसमें ड्रामा की कास्ट है, और नए लोग कर रहे हैं इस मूवी को, और एक इस फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि इसकी जो कहानी और इसकी जो स्टोरी है वो पाकिस्तान के हर नाजिर के उससे रिलेट कर सकेगा। इसमें ऐसे इश्यूज पे बात होगी। बिल्कुल ठीक है, तो इसको ठीक है, हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा जी, ये है फिल्म साकिब मलिक, आप देख रहे हैं इसमें, ये पोस्टर नहीं है, ये एक तस्वीर है उनकी कास्ट की। साकिब मलिक इसके डायरेक्टर हैं, बाजी फिल्म का नाम है, और उस्मान खालिद बट हैं इसमें, मीरा हैं, और मोहसिन अब्बास हैदर हैं, और आमना इलियास हैं। तो ये फिल्म बाजी, ये फिल्म बड़े अरसे से मच वेटेड, साकिब मलिक के ऊपर प्रेशर बहुत था कि भी फिल्म बनाओ, इतना जबरदस्त डायरेक्टर है और फिल्म भी बना रहा है। तीन चार साल से हम सुन रहे हैं कि साकिब मलिक की फिल्म आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो फाइनली 2019 जो कहते हैं ना, सही अवाम के पुरजोर इसरार पे, तो साकिब मलिक ने अवाम के पुरजोर इसरार पे फिल्म बना ही दी। एग्जैक्टली, उसका अपना पता नहीं अपना दिल था कि नहीं साकिब आपका, लेकिन दुनिया ने आपसे फिल्म बनवाई है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सी योर वर्क on the big screen. इरफान मदुरफी ने इस फिल्म को लिखा है, और मीरा जी का सुना है बड़ा डिफरेंट अंदाज में आ रही है। मैं तो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस फिल्म को। बाजी, मैं कौन सी फिल्म को लुक फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, लेकिन ये कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि मैं कहता हूँ यार कब रिलीज होंगी, जल्दी से रिलीज। एग्जैक्टली, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये है हमारे प्यारे दोस्त जाहिद अहमद की फिल्म, इसका नाम है सॉरी, और सोहेल जावेद इसको डायरेक्ट करेंगे। इसमें फैसल कुरैशी भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। Yes. और ये फिल्म 2019 में रिलीज होगी, इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जाहिद अहमद की पहली फिल्म है। वेरी गुड, और जाहिद
गुड लक वेरी गुड लक. आपका टेलीविजन के ऊपर काम हमने देखा है और सब उसको फॉलो करते हैं. फिल्म के लिए आ जाओ और छा जाओ. जी आगे चलते हैं. अच्छा जी, ये तो थे वो पोस्टर्स. ये वो पोस्टर थे जो ऑफिशियल थे, लेकिन इसके अलावा दो मूवीज ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र करना. एक है चौधरी, जो कि चौधरी असलम की बायोपिक है. चौधरी असलम आपको याद होगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का काम किया पुलिस के लिए. उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर चौधरी एक फिल्म बन रही है और उसकी शूट शुरू हो चुकी है. ऑफिशियल पोस्टर उसका अभी रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन जो ही उसका टीज़र या ट्रेलर आएगा 2019 में रिलीज़ होगी. ओके, तो हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे. और आखिरी जो फिल्म है जिसके बारे में, तो सीख भाई मैं तमाम देखने वालों को और आपको भी, हमारे क्रू को भी और प्रोड्यूसर साहब को भी बताना चाहूँगा कि एक ऐसी फिल्म 2019 में रिलीज़ हो रही है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ. ओह भाई, ये क्या मतलब? हमारे ब्रेकफास्ट एट होम के सारे जो सेगमेंट होस्ट और हमारे सारे कॉलीग्स जो हैं उनको हाईजैक किया जा रहा है. वो काशिफ को भी एक फिल्म ट्रेनर, काशिफ को फिल्म ऑफर. अच्छा, और आपको भी फिल्म ऑफर हो गई है. वैसे भी विश यू गुड लक, लेकिन हमारा सेगमेंट नहीं छोड़ना. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा ख्याल है ये सेगमेंट की वजह से तो फिल्म मिली. और कौन डायरेक्टर है उस फिल्म के? डायरेक्टर है अमाद अजहर. अमाद अजहर पहले भी एक फिल्म कर चुके हैं. उस फिल्म में कोई इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया था, लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है. फिल्म का नाम है विसल, जो कि उन्होंने पहले की थी, लेकिन इस फिल्म का नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल, लेकिन आने वाले सेगमेंट्स में मैं जरूर बताऊंगा. और ये बनेगी 2019 में, रिलीज भी 19 में होगी या शायद 19 में ही रिलीज? 19 में ही रिलीज होगी और 2019 में ही ये शूट होगी. फैसल मूवी वाला, आप तो सही में अब फैसल मूवी वाला बनने वाले हैं ना? के फैसल मूवी वाला, गुड लक टू यू. थैंक यू. एंड ऑल द टीम्स, जितनी भी मूवीज पाकिस्तान की 2019 में रिलीज हो रही है, मैं कहूंगा भी सब सुपर हिट हो, क्योंकि मैंने तो पॉपकॉर्न्स के साथ बैठ के फिल्म देखनी होती है, मुझे तो फिल्में ही पसंद है. तो सारी अच्छी होंगी तो हमें भी मजा आएगा और इंडस्ट्री ग्रो करेगी. हम चल के लेते हैं जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन हमारे साथ हैं, हसन मुश्तबा, और उनसे कुछ बात करेंगे हम बच्चों में आर्ट को डिस्कवर करने की और एक डिफरेंट अंदाज से बच्चों को तालीम देने की. बहुत इंटरेस्टिंग सा ये काम चकवाल में कर रहे हैं, लेकिन उस काम को आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि ये काम पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट हो सकता है. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज बहुत ही जुदा मौजू हम लेकर आए हैं आपके लिए, और ये वो लफ्ज़ है, ये वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो जिसे शायद हम अपने स्कूल के वक्त में उमूमन तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन हर कोई गुजरता है, और वो है आर्ट. ड्राइंग्स बनाना, ड्राइंग का पीरियड, कुछ अच्छे होते हैं इसमें, कुछ मेरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ इसमें दिलचस्पी लेते हैं, कुछ मेरी तरह दिलचस्पी बहुत ज़्यादा लेते हैं. लेकिन इस आर्ट से जिंदगियां कैसे बदली जा सकती हैं, पूरी ज़िंदगी गुजारने की तर्ज कैसे सिखाई जा सकती है, आर्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे की जा सकती है, ये बहुत एक नई चीज़ है जो कि पाकिस्तान में कम कम हमें नज़र आती है, और दुनिया भर में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि अगर फ़न के ज़रिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जाए तो शायद बच्चा ज़्यादा सीखता है और जल्दी सीखता है. साथ ही साथ आज हम एक और मौजू को भी साथ लेकर चलेंगे कि आर्ट को डिस्कवर कैसे किया जाए और उसको डिस्कवर करने को उसको ढूंढा कैसे जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ बच्चों में, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके पास शायद बहुत महंगे क्रेयॉन्स और कलर्स और पेंट्स और पोस्टर्स लेने के पैसे नहीं होते. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका फ़न जो है वो दबता चला जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास वसाइल नहीं है महंगा आर्ट मटेरियल खरीदने के. इस बुनियादी तौर पे दोनों बातें बहुत ही आसान और बहुत ही बुनियादी सी लग रही हैं, लेकिन जिस साथी से मैं आज आपको मिलवाने चाह रहा हूं, इन्होंने इन बुनियादी चीजों को इस कदर अहम अंदाज में लेकर चले कि दुनिया ने माना, इनको स्कॉलरशिप्स मिले, अवार्ड्स मिले, और इस वक्त ये एक बहुत जुदा सा काम कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुज्तबा जैदी. गुड मॉर्निंग मुज्तबा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वेलकम.
थैंक यू सो मच. ये तुम्हारे आसान से काम को कितना मैंने मुश्किल सा करके बयान किया है ना. पहले तो इसमें मुझे बताओ 10 में से कितने नंबर तुम मुझे दे. 10 में से 9.8 प्रोबेबली. तो 0.2 किस चीज के काटे हैं वो जरा. 0.2 आपने इसको मुश्किल कर दिया. आसान को आसान ही रहने देते. वेरी नाइस. देखो अगर मुश्किल ना करता तो तुम्हारे लिए कुछ रह ना जाता. अब इस मुश्किल को तुम आसान करोगे. अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, क्योंकि आप इस वक्त एक इदारे के प्रिंसिपल भी हैं और चकवाल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सबसे पहले बताएं कि आम लर्निंग और इस पे फ़र्क क्या है. सो बेसिकली ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग जो हमारे आम स्कूलों में पूरे पाकिस्तान में नॉर्मली फॉलो की जा रही है, उसमें ज़्यादातर रोट मेमोराइजेशन होती है. आपको टीचर बताता है क्या करना है और आप फिर उसको याद करते हैं, जैसे कि हमने अपने बचपन में मोस्टली यही किया है. रटाफिकेशन जो है उस तरह हमने उसको फॉलो करके आगे बढ़े हैं. बट खैर वो दौर बिल्कुल डिफरेंट था. अब पूरी दुनिया बहुत आगे चली गई है और पूरी दुनिया में एक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, प्ले बेस्ड लर्निंग. उसमें एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न किया जाता है और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है. बट इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है. इसमें स्टूडेंट को सब चीज़ें दी जाती हैं, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, एज अ गाइड होता है. वो हर चीज़ बताता नहीं है कि बस ये करना है आपने और ख़ुद आप कुछ नहीं कर सकते. किताबें होती हैं? किताबें बिल्कुल होती हैं क्योंकि करिकुलम फॉलो हो रहा होता है. बट मोस्टली करिकुलम इंटीग्रेट हो रहा होता है. एक सोशल स्टडीज़ अगर साइंस उसमें है और साइंस उस प्रोजेक्ट के अंदर साइंस भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, मैथ्स भी, इंग्लिश भी है, तो ये सारे इंटीग्रेट होकर एक प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे होते हैं. और वो सारे सब्जेक्ट पीरियड नहीं है, साइंस का अलग पीरियड नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है. शायद उस पर 3 घंटे काम हो रहा है लेकिन आप सब चीज़ें सीख. एग्जैक्टली, हफ्ते में प्रोजेक्ट के डिफरेंट पीरियड्स होते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो जनरली एक्सटेंसिव होता है. सो थोड़े ज़्यादा टाइम का होता है. अगर मैथ्स का 40 मिनट की क्लास है तो प्रोजेक्ट की 2 घंटे की क्लास होती है. अच्छा. और उसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट हो रहे होते हैं जो जो रेलेवेंट होते हैं. तो इसके लिए तो जो तदरीस का अंदाज है वो भी बहुत जुदा हो गया. यानी इसके लिए असातिज़ा भी एक खास तरह की तरबियत हासिल करना जरूरी है. वही पाकिस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की कमी है कि असातिज़ा को ट्रेन कैसे किया जा सके. बिकॉज हमारे यहाँ शुरू से ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग चल रही है. अभी तक बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो अब इसको प्रमोट करना शुरू हो गए हैं. और उसमें उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया की हैं, वो PBL से पढ़े हुए बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं रादर देन ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग के. आपकी 70% ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है इन यूनिवर्सिटीज़ में रादर देन ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग. अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किस मैट्रिक तक जाती है? जी बिल्कुल, ये OA लेवल्स तक जाता है. आप अब हमें किसी कोई एक मिसाल दीजिए, मसलन कोई एक प्रोजेक्ट बताइए जो 4th, 5th, 6th के बच्चों ने किया हो और कैसे उससे उन्होंने लर्न किया जो कि एक रटे वाली क्लास से नहीं लर्न कर सके. मैं आपको इससे भी छोटी क्लास की एक एग्जांपल देता हूँ, KG क्लास. अच्छा. उसमें बच्चे जो हैं वो सूरज कैसे निकलता है, सूरज कैसे गरूब होता है, डिफरेंट जो है क्या कहते हैं दुनिया में, अगर यहाँ सूरज इस वक्त निकला हुआ है दूसरे कोने में नहीं है तो बच्चों को कैसे पता लगेगा. हमारे ज़माने में ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग में हमें बोर्ड पे सिर्फ जो लिख दिया जाता था वो बताया जाता था कि आप ये कॉपी कर लें और इसी तरह ये चीज़ होती है. आप इससे डिफरेंट और कोई ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दी जाती थी बच्चों को, हमें रिसर्च करने को नहीं दिया जाता था. ठीक. अब KG के बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए आप जो है वो स्काइप सेशन रखते हैं डिफरेंट किसी और मुल्क के साथ, और वहाँ से कोई स्काइप सेशन किसी और स्कूल के साथ चल रहा है या किसी और होस्ट फैमिली के साथ चल रहा है जो कि आपको सिर्फ ये बता रहा है कि अभी देखें यहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है. और फिर ये कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चंस बच्चों को पोज कर दिए जाते हैं कि आप ये बताएं कि कैसे करना है, कैसे होता है, कैसे है. टीचर उनको आंसर्स नहीं देता, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता रहता है. जैसे कि एक स्काइप सेशन रख लिया, डिफरेंट एक मॉडल बना के दिखा दिया या मॉडल बच्चों से बनवा लिया. अब इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट. जो बच्चे कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है उसका, और एंड प्रोडक्ट होना उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रोसेस ज़रूरी है. जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चे सीखते हैं वो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन कि एक मॉडल. हमने अपने ज़माने में साइंस मॉडल्स के ऊपर बड़ा काम किया और हम सिर्फ खुश तभी होते थे या हमारे टीचर्स तब खुश होते थे जब
आप एक परफेक्ट मॉडल, बल्कि सेलेक्टिव तब होता था एग्जैक्टली साइंस एग्जीबिशंस के लिए, परफेक्ट हो जी इसके अंदर सब चीजें अपनी जगह पे लगी हुई हैं। अब जो है वो इस पीबीएल स्कूल्स के अंदर होता है कि हर चीज एग्जिबिट की जाती है बच्चों की, उनको कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता, चाहे उन्होंने इतनी सी रिसर्च की है चाहे उन्होंने इतनी रिसर्च की है, उनको कोई डिस्करेज नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने जो थोड़े बहुत नोट्स लिखे हैं, रिसर्च की है, कुछ भी किया है, वो सब चीज़ें पेरेंट्स के लिए सामने प्रोसेस शो किया जाता है एग्जिबिशंस में। मुश्तबा, एक और चीज़ जो मैं ज़ाती तौर पर बहुत जिसके खिलाफ का लफ्ज़ तो बहुत सख्त है लेकिन मैं ख़िलाफ़ हूँ, और वो ये है कि हम ये जो 37 बच्चों की जो क्लास होती है, एक जमात है या 25 की है या 44 की है, उसमें जो हम कहते हैं ये फर्स्ट आया, ये 70वें नंबर पे आया, क्योंकि मैं हमेशा आखिरी 3-4 में हुआ करता था और ये रिकॉर्ड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी तोड़ा नहीं। पहली जमात से लेके बीए तक मैं ग्रेड वाइज नंबरों के एतबार से अपनी क्लास के सबसे कमजोर तलबा में रहा, तो लेकिन हमेशा एक मुझे महसूस होता था मुझे जज किया गया कि 37 बच्चों में से तुम 35वें नंबर पे हो, 44 बच्चों में से तुम 41वें नंबर पे हो। इसके ऊपर कोई काम हो रहा है कि ये हम नंबरिंग ना दें? अब यही बात इसमें पीबीएल सिस्टम में इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जज नहीं किया जाता बच्चे को, इसमें तीसरी जमात तक जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है, ये देखा जाता है कि बच्चों को एक डिफरेंट स्टैंड्स के ऊपर असेस किया जाता है और असेसमेंट जो है वो हर बच्चे की इंडिविजुअल होती है, उसमें आपस में कंपेयर नहीं किया जाता, ये कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं होता बेसिकली किसी भी सेगमेंट स्कूल के, किसी भी सेगमेंट के अंदर उनका आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होता, उससे एक बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक कॉन्फिडेंस है, वो डिस्करेज नहीं होता, वो डीमोटिवेट नहीं होता बच्चा, बल्कि वो अब क्योंकि हर बच्चे की, हमारा मानना है कि हर बच्चे की अपनी सलाहियतें, मैं अपने ज़माने में किसी चीज़ में अच्छा होऊंगा, आप अपने ज़माने में किसी चीज़ में अच्छे होंगे, हर किसी बंदे का एक अपना इंटरेस्ट होता है और वो बिल्कुल छोटे बच्चे के लेवल से होता है। आपके स्कूल में कोई उम्र की कैद है या मैं दाखिला ले सकती हूँ? उसमें आप एज अ टीचर आ जाएं, क्योंकि हमारे टीचर्स भी बहुत सीखते हैं, कॉन्स्टेंटली सीख रहे हैं, और टीचर का सीखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन बच्चे का। आपको पता है मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, और मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें जिसपे मैं और मुश्तबा आज हमारी पहली मुलाकात है लेकिन हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैं प्राइमरी लेवल का एक बहुत अच्छा टीचर साबित हो सकता हूँ, आप जरूरी क्योंकि हो सकते बच्चों हैं। के साथ मेरी कनेक्टिविटी बहुत है, तो मेरा ख्याल है कि रिटायरमेंट प्लान जो है मेरा वो चकवाल में मुझे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हम शायद चकवाल से आगे भी खोल लें स्कूल्स, बट ये कि अभी क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स चकवाल के हैं और वो चाह रहे थे कि चकवाल जैसी सिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए, विच इज़ आई एम रियली हैप्पी बिकॉज एग्जैक्टली हर किसी की ऐसी सोच नहीं है कि छोटे से शहर के अंदर जो है वो इतनी एडवांस चीज़ खोल के लाई जा सके, और बहुत बड़े लेवल पे एक स्कूल खोला हुआ है। अभी वहाँ के भी पेरेंट्स को हम मना रहे हैं क्योंकि ये पीबीएल स्कूलिंग जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई थी तो पाकिस्तानी पेरेंट्स को असल में मनाना, क्योंकि बच्चे तो आएंगे, दाखिल हो जाएंगे, पेरेंट्स ने कराना है। ओह यस, उनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि आपके बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर तर्ज़े तरबियत है? तो ओरिएंटेशन जो काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ स्कूल के लिए सबसे एक मुश्किल बात प्रिंसिपल के लिए या टीचर्स के लिए यही है कि पेरेंट्स को कैसे काउंसिल किया जा सके, क्योंकि हम लोग इतने वाकिफ हैं अपने ट्रेडिशनल बेस्ड लर्निंग से और ग्रेडिंग से कि हम उससे निकलना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, मुश्तबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक लेंगे और वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ इनसे एक और अंदाज में एक और मौजू पर बात होगी जो है DNA। आपने तो DNA सुना होगा ना, जो DNA टेस्ट कराओ जी पता लगे ये कत्ल किसने किया है इन दोनों में से, लेकिन ये एक और DNA पे काम करते हैं, हम आपको बताते हैं कि वो DNA क्या है, रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हसन मुश्तबा जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुश्तबा की के काम का एक रुख तो हमने आपके सामने रखा, बहुत ही दिलचस्प है, मैं इनके स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, इन्होंने मुझे नौकरी ऑफर कर दी, रिटायरमेंट प्लान मेरा अब सॉर्टेड है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे आप कुछ DNA के हवाले से कि जो अमूमन इन्वेस्टिगेटिव साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है, शजरा नस्ब जानना हो और कि हर इंसान का अलग DNA, लेकिन आप एक और DNA पे काम करते हैं, वो है जी
डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट्स। डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट, ये क्या कहानी है बताइए। डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट बेसिकली एक प्रोजेक्ट था 2011 में जब मैं US से वापस आया, तो मैंने स्टार्ट किया था टू गिव आउट टू माई कम्युनिटी, गिव बैक टू माई कम्युनिटी। सो बेसिकली एक वॉलंटियरिज्म का एक जज्बा था जो शुरू से खैर मेरे अंदर था, लेकिन ये कि उसको एक रूप देने के लिए मैंने उसका नाम रखा डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट, के बच्चों के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर बच्चे में एक आर्टिस्ट होता है। हर बच्चे में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, लेकिन उसको उभारना कैसे है, उसको अक्सर बच्चों के अंदर दबाई रह जाता है, और उनको किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, किस तरह उनके उभार उनके इस आर्टिस्टिक स्किल को उभार के आगे लाना है, इसीलिए डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट वजूद में आया था 2011 में। बेसिकली हम बच्चों के एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं, जिस पे जो है वो हम लोग डिफरेंट आर्ट कॉम्पिटिशन्स करते हैं और आर्ट वर्कशॉप्स करते हैं। मार्जिनलाइज बच्चों के साथ ये ज़्यादातर काम होता है, बट हमने एक प्रोजेक्ट बनाया आर्ट फॉर चेंज इंटरनेशनल चाइल्ड आर्ट कॉम्पिटिशन एंड एग्जीबिशन। वो एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ये चाइल्ड आर्ट कॉम्पिटिशन होता है 4 से लेकर 15 साल की एज के बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा इसमें शामिल हो सकता है? कोई भी बच्चा इसमें, स्पेशल नीड्स बच्चा हो, कोई डिसेबल्ड बच्चा हो। हर साल होता है? हर साल होता है। इसको कैसे, इसका तरीका कार क्या है और क्या कोई मौजू होता है? जी, हर साल हम इसमें डिफरेंट मौजू के ऊपर काम देते हैं, और हमारी वेबसाइट है www.discoveringnewartists.org/artforchange प्रोजेक्ट का जो नाम है, और इसमें आप जाएं, इसमें हम अमूमन जो है September 1st को स्टार्ट होता है और दिसंबर में इसकी ज्यूरी हो जाती है। उसके बाद हम डिफरेंट एग्जीबिशंस करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हम बच्चों का काम लेके जाते हैं, क्योंकि एक तो है कि बच्चों का काम हमने इकट्ठा कर लिया और बच्चों से ये सब उनकी स्किल्स निकलवा लिए और काम जज कर लिया, बट अब कैसे इस काम को और बच्चों को प्रमोट करना है आगे, इस चीज़ के लिए हम लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में अमूमन लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जो बड़े शहर हैं उसमें हम एग्जीबिशन रखते हैं। अभी हमारी आगे एग्जीबिशन आने लगी है 18 जनवरी को PNCA में, उसमें काम डिस्प्ले होगा। और अब पिछले 2 साल पहले हमने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हमारे पाकिस्तानी बच्चों का काम भेजा, बहुत सराहा गया उस काम को। और लेकिन इन बच्चों को क्या फ़ायदा मिलता है इस तरह की चीज़? इन बच्चों को बेसिकली जो है वो मॉडल इस तरह है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक छोटी सी फीस देते हैं, और वो फीस इसलिए नहीं होती कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, वो फीस अमूमन इस जज्बे के साथ देते हैं कि उन्होंने मार्जिनलाइज बच्चों की हेल्प करनी है। अब वो कैसे होती है कि वो जब फीस देते हैं तो हम उससे आर्ट मटेरियल खरीदते हैं, और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि मार्जिनलाइज बच्चों के पास जनरली आर्ट मटेरियल नहीं होता, महंगा मटेरियल नहीं होता, तो वो हम इंश्योर करते हैं कि वो हम आर्ट मटेरियल खरीदें और इन बच्चों तक पहुँचाएँ, और ये काम होता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों की हेल्प से, तो ताकि ये सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएं। और फिर जो है एंड में जो प्राइजेस दिए जाते हैं, वो प्राइजेस ऐसे नहीं होते कि PS4 दे दिया, PS3 दे दिया, या कोई कंप्यूटर गेम दे दी, इस तरह की चीज़ नहीं होती, वो मंथली स्कॉलरशिप्स होती हैं। अच्छा, उनकी मंथली कैश स्कॉलरशिप्स हम उनको अवार्ड करते हैं ताकि वो उनके वसाइल बेहतर से बेहतर हो सकें और अपनी तालीम को जारी रख सकें। एग्जैक्टली। अच्छा मुस्तफ़ा, इस आपके काम ने ये कहने में तो 2 मिनट कुछ सेकंड के अंदर आपने बयान कर दिया, लेकिन इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर सराहा बहुत गया जी। और मलका बरतानिया का आपको एक अवार्ड मिला और उनसे जाके आपने अवार्ड हासिल किया, उसकी ज़रा कुछ कहानी बताइए। बेसिकली मैंने अप्लाई किया था क्वीन जंग लीडर्स अवार्ड के लिए, हर साल 4 साल का ये प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी पूरे कॉमनवेल्थ के लोग अप्लाई करते हैं उसमें, यंग लोग, और उसमें मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, मैंने कहा देखूँ कुछ होता है या नहीं होता, बट ये कि उनको मेरा ये काम और ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने बहुत प्रोसेस के थ्रू इसको सेलेक्ट किया, बेनिफिशरीज से बात की, जिन बच्चों को फ़ायदा होता है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनसे बात की, फिर मुझसे काफ़ी 2-4-6 कॉल्स के अंदर सारी तफसीलात लीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, लेकिन ये कि ये जो खुशी थी वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए और DNA के लिए थी, और इवन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की तस्वीर में हम देख सकते हैं कि मलका बरतानिया से आपने अवार्ड जी वसूल किया, उस मुलाकात के बारे में बताइए। बस ये हाथ मिलाया और अवार्ड ले लिया, या उनसे कोई बातचीत भी आपकी बाद में हुई थी? बहुत थोड़ी सी उनसे ये बात हुई थी, शी वॉज आस्किंग मी के क्या करते हैं आप और कैसे ये प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, सो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उस वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, हालांकि बाकियों के लिए सिर्फ वो शायद
एक मिनट होगा या कुछ थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था बिकॉज मैं पूरे पाकिस्तान की एक इमेज को वहाँ बकिंगम पैलेस के अंदर 53 डिफरेंट कंट्रीज से जो आए हुए लोग थे और डेविड बेकम था और बहुत से और लोग थे उनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था उधर। डेविड बेकम के साथ सेल्फी ली? जी बिल्कुल। वाओ, वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। ग्रेट 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 ग्रेट। डेविड बेकम के साथ सेल्फी जो है उसके बगैर मतलब अपॉर्चुनिटी और बंदा ना ले तो exactly. मेरा ख्याल है कि जिंदगी भर का मलाल रह जाता। तो बाकियों ने नहीं छोड़ना था मुझे। हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो अभी कुछ देर पहले मुज्तबा ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वॉलंटियरिज्म, कि मेरे अंदर वॉलंटियरिज्म के जरासीम थे। मैं इस लफ्ज को जरा थोड़ा सा उधेड़ना चाहूंगा, हम कहते हैं डिसेक्ट करना चाहूंगा, उसको उर्दू तर्जुमा उधेड़ना भी हो सकता है। इसको जरा खोलेंगे कि वॉलंटियरिज्म क्या है और बगैर किसी गर्ज के कोई काम करना क्या आजकल की दुनिया में मुमकिन है, इस पे मुज्तबा का ओपिनियन लेंगे। वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन मुज्तबा जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानी इनकी हमने सुनी और इनका काम मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन साथ ही साथ आज हम इस नशिस्त के अख्ताम पे बात ज़रूर करना चाहेंगे रज़ाकाराना काम के ऊपर, वॉलंटियरिज्म के ऊपर। ये बताइए कि पहले तो बताइए कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी तशरी तारीफ़ कैसे करेंगे? बहुत ही मिनिमम अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वॉलंटियरिज्म एक वो जज्बा है जो कि आप इतना कुछ अपनी कम्युनिटी से ले रहे होते हैं, आप उसको वापस कैसे देते हैं बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी मुआवजे के, किसी भी रिवॉर्ड के, आप कैसे वापस देते हैं उसको, मैं वॉलंटियरिज्म। यानी माशरे से जो आप बहुत कुछ ले रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को वापस क्या दे रहे हैं? ओके, और ये क्या इंसान में फ़र्क होता है, ये अंदर ये जज्बा होता है या ये सिखाया जा सकता है? ये डेफिनेटली सिखाया जा सकता है। एक तो इनबिल्ट भी होता है, नेचर में भी पाया जाता है, बट नर्चर मेरा ख्याल से ये ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस सराउंडिंग्स में आप रह रहे होते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, पूरे सर्कल में, सोशल सर्कल आपका कैसा है, अगर वो सिर्फ वो है जो सिर्फ रिवॉर्ड लेना जानता है, तो फिर शायद आप वो ना कर सकें, exactly. उस जज्बे से ना कर सकें वॉलंटियरिज्म। आपको अगर थोप दिया जाए आपके ऊपर कि जी ये आपने 20 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस करना है, तो तब आपको शायद करना ही पड़े। लेकिन इसका फायदा क्या है? मेरे लिए ये फायदा ये है कि मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। मुझे बचपन से ही शौक था, मेरे आसपास की फैमिली, फ्रेंड्स जितने भी हैं, वो तमाम जो है, खास तौर पे मेरी फैमिली, जिस तरह उन्होंने मुझे बड़ा किया और दिखाया अपने एक्शंस के साथ कि कैसे दूसरों को दिया जाता है, ना सिर्फ लिया जाता है बल्कि जिसको ज़रूरत हो उसको एहसास करना चाहिए और देना चाहिए, चाहे आपके पास थोड़ा ही क्यों ना हो। और बेसिकली इसको सिखाया जा सकता है। आजकल के दौर में, आजकल के वक्त में इसके लिए वक्त निकालना मुमकिन है? बहुत मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अगर आप में ये जज्बा है तो आप किसी न किसी तरह ये टाइम निकाल लेते हैं। जब मैं US गया था तब मैंने ये सोचा था कि वहाँ के लोग हर वक्त ये कर रहे होते हैं, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, कि मैं US यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और जैसे ही पढ़ाई कोई क्लास ख़त्म होती है तो ये लोग अपना वॉलंटियरिज्म करने निकल जाते हैं। तो जब मैं वापस आया तो मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि हमारे यंगस्टर्स में ज़रा ये चीज़ कम है, तो ये कैसे प्रमोट की जाए। तो वो DNA के थ्रू मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू जो है वो अब मोस्टली यंगस्टर्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियरिज्म करते हैं, बल्कि अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान के अंदर। चैरिटी तो आपको पता, पाकिस्तान पहले ही हम बहुत देते हैं, दुनिया की टॉप कुछ कंट्रीज के अंदर आते हैं, टॉप कंट्रीज के अंदर और चैरिटी में। लेकिन एक दूसरे का एहसास करने में, ह्यूमैनिटी को थोड़ा प्रमोट करने में भी हमें उतना ही किरदार अदा करना चाहिए, बट अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है बनिस्बत पहले सालों के। क्या सिर्फ बड़े शहरों में है या आपको छोटे गांव देहात कस्बों
شہروں میں میرے خیال سے وہاں زیادہ احساس کرتے ہیں. ہم نے بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقے اور گاؤں وزٹ کیے ہیں ہمارے پروجیکٹس کے تھرو, اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جتنے ہمارے یہ شہروں کے بچوں میں یہ چیز والنٹیئرزم کا جذبہ ہے, اتنا ہی اتنے سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں میں بھی ہے. وہ تھوڑا سا قریب رہتے ہیں, تھوڑا مٹیریلزم کم ہوتا ہے یہاں پہ, زیادہ ہوتا ہے شہروں میں. لیکن یہ کہ والنٹیئرزم ایک بہت ضروری چیز ہے, اور اس سے ایک معاشرے میں ایک خوشی اور خوشحال معاشرہ تبھی بنتا ہے جب آپ ایک دوسرے کا احساس کر سکیں. تین چار آخر میں ہمیں کچھ ایریاز بتا دیں. اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے ینگسٹرز آپ کی یہ بات سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھ میں جذبہ ہے, اب میں کیا کروں. وہ اب میں کیا کروں کہ تین چار چیزیں ذرا فہرست بتا دیجیے, کیا 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 جا سکتا ہے. بیسیکلی ایک تو یہ کہ آپ اپنی پڑھائی, موسٹلی کیونکہ بچوں کے پاس اب ٹائم ہوتا ہے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پڑھائی اپنی ضرور اپنے ساتھ رکھیں, لیکن جو تھوڑا بہت وقت جو جنرلی ویڈیو گیمز میں یا کسی اور گیمز میں سرف کرتے ہیں, وہ اگر بیٹھ کے کچھ سنوکر کلب میں بھی کافی زیادہ وقت سرف ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اگر تھوڑا سا آدھا کر دیا جائے تو کافی وقت نکل آئے گا. ختم نہ کریں لیکن تھوڑا سا کم کر لیں, اور کم کر کے یہ چیز اپنے معاشرے میں دیکھیں کہاں کوئی چیز کسی کو ضرورت ہے, کہاں ایجوکیشن میں کسی کو ضرورت ہے, وہاں ایجوکیٹ کر دیں. اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے کام والوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا. تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ذرا نکالنے کی زحمت کریں. دوسرا یہ کہ جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں, میں ایک نوکری پیشہ فرد ہوں اور 3 گھنٹے کا سفر کرتا ہوں روزانہ, لیکن پھر بھی میں جب واپس گھر آتا ہوں تو موسٹلی میرے پاس کام ہوتا ہے اپنا یہ والنٹیئرزم والا, میں چھوڑتا نہیں ہوں. شاید اس وجہ سے آپ روزانہ اسلام آباد سے چکوال بائی روڈ جاتے ہیں جی, اور واپس آتے ہیں, اور واپس آتا ہوں تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا, 1.5 گھنٹہ جانا اور 1.5 گھنٹہ آنا, اور آتا ہوں میں شام میں اگر 5 بجے, تو 5 بجے کے بعد جو ہے تب بھی میں نے یہ ٹائم نکالا ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہی ہے, جس سے ان بچوں کا فائدہ ہو جن بچوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, مارجنلائز بچوں کا. سو نوکری کے ساتھ ساتھ بھی یہ کام ہو سکتا ہے. سو میں ایک فائنل ایک یہ چیز کہوں گا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ہمیں اکثر ہم سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں, اکثر ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ناممکن ہے. سو ایسا نہیں ہے, ہر چیز ممکن ہے. اور اکثر ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں. Exactly. اصل میں میرا خیال میں یہ ایک جو چیز ہے نا, یا تو ہم کہتے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے, یہ سرکار کا کام ہے, یا ہم کہتے ہیں یہ اتنی این جی اوز والے جو پھر رہے ہیں بھائی یہ وہ کر لیں, یا ہم کہتے ہیں یہ تو پیسہ اگر ہو یہ پیسے والے کا کام ہے, میں تو ایک غریب انسان ہوں. یہ تین چیزیں آپ کو دنیا میں کچھ بڑا سا کرنے سے روکتی ہیں. اپنے ذہن سے ان تین چیزوں کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کی ذمہ داریاں آپ لے لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ این جی اوز کی ذمہ داریاں آپ لے لیں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وسائل والوں کے اوپر جو قدرت نے ذمہ داری عائد کر رکھی ہے وہ آپ لے لیں, لیکن ان تینوں چیزوں کو اگر آپ اپنے ذہن کے سے جدا کر کے تھوڑا سا معاشرے کے لیے سوچیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور اصل لطف اسی کا ہے. اسی کا ہے. ہر شخص اگر صرف اپنے سرکل میں دیکھے کہ میرے ایکٹ کرنے سے کتنا فرق پڑ جائے گا, تو پاکستان پورا سنور جائے گا, پوری دنیا ہی سنور جائے گی میرا خیال ہے. مجتبیٰ بہت خوشی تھی آپ سے مل کے, اور آپ جیسے جوانوں کی, نوجوانوں کی, افراد کی اس دیش کو ضرورت ہے. آل دا بیسٹ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور آپ کے اسکول کے حوالے سے جو آگے جس طرح سے اس طرز تعلیم نے اس ملک کے اندر آگے چلنا ہے, اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ اور ہماری ٹیم جہاں بھی پاکستان ٹیلی ویژن, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی سی دنیا میں کچھ بڑا سا کام کرنے والے لوگوں کو سامنے لایا جائے, ان کے فن کو اجاگر کیا جائے, ان کی کیپیسٹی کو سامنے لایا جائے. سو وی آر آلویز دیئر, دس چینل از آلویز دیئر. تھینک یو سو مچ, لائک بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے, زندگی نے دی اجازت. تو پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ, بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ ملاقات ہوگی. رب رکھا.